इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है क्रिस नाम की एक डॉक्टर को दिखाते हुए जो कि स्विट्जरलैंड में अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आया था। क्रिस तो वहाँ बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है लेकिन उसे एनी नाम की एक लड़की मिलती है। भले ही वो दोनों अनजान होते हैं लेकिन कुछ ही टाइम के अंदर अंदर उनमें दोस्ती हो गई थी। क्रिस और एनी तो अब अपने आगे का सफर साथ में ही तय करते हैं लेकिन कुछ टाइम के अंदर ही अंदर उन दोनों का रिलेशन काफी अच्छा हो चुका था और अब उन दोनों ने तो शादी भी कर ली होती है। उनके पास अब सारी चीजें थी जो एक खुशहाल परिवार के पास होती हैं। क्रिस और एनी के दो बच्चे भी हो गए थे जिनका नाम इयान और मैरी था। वो तो अपने बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार करते। अब एक दिन जब एनी के दोनों बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तब उन्होंने अपनी मदर से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें स्कूल से लेने आए, लेकिन एनी के कंपनी में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन थी इसीलिए वो पिकअप करने नहीं आ सकती थी। वो तो किसी दूसरे ड्राइवर को भेज देती है अपने बच्चों को पिकअप करने के लिए, लेकिन एनी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने बच्चों से आज के बाद कभी मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि जब उनके बच्चे स्कूल से वापस आ रहे होते हैं भी उनका एक बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो चुका था जिसमें कि एनी और क्रिस के दोनों ही बच्चे मारे गए। दोनों ही पेरेंट्स अपने बच्चों की मौत से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे, खासकर कि एनी, उसका तो दिमागी संतुलन भी बिगड़ चुका होता है। दरअसल एनी इन सारी चीजों का जिम्मेदार खुद को मान रही थी क्योंकि अगर वो अपने बच्चों को पिकअप करने चली जाती तो आज उनका एक्सीडेंट ना हुआ होता। लेकिन क्रिस किसी भी तरीके से अपनी वाइफ एनी का ख्याल रखता है और उससे सराहना देता है। धीरे धीरे वो दोनों इन सारी चीजों को भी ओवरकम कर लेते हैं। अब इस बात को पूरे 5 साल बीत चुके थे। अब एक दिन एनी क्रिस को कॉल करती है जो कि वो अपने क्लिनिक में मौजूद था। एनी ने क्रिस से कहा कि रशिया से कुछ इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स आने वाली थी लेकिन वो अभी तक पहुंची नहीं है, इसीलिए वो क्या करे उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। तभी क्रिस ने अपनी वाइफ को सलाह दी कि तुमने जो पेंटिंग्स बनाई हैं तुम उसे वो एग्जीबिशन पर रख दो। इसीलिए क्रिस ने कह दिया कि वो अपना काम खत्म करके घर जाकर वो सारी पेंटिंग्स लेकर आ जाएगा। अब क्रिस चला जाता है अपने घर पर वो सारी पेंटिंग्स लेने के लिए, लेकिन एक टनल में जाते समय उसने देखा कि कई सारी कार्स एक दूसरे से टकराने लगी हैं। क्रिस तो इंसानियत के नाते उन सभी लोगों को बचाने के लिए उतरा ही था तभी एक और कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर डायरेक्टली क्रिस को ही हिट कर जाती है। इस एक्सीडेंट में तो क्रिस की तुरंत ही मौत हो चुकी थी। जब ये बात एनी को पता चली तो वो पूरी तरीके से टूट जाती है क्योंकि कुछ सालों पहले उसने अपने दोनों बेटों को खो दिया और अब उसका हस्बैंड भी नहीं रहा। लेकिन ताज्जुब की बात ये होती है कि क्रिस के मरने के बाद भी उसकी आत्मा अब उसके बॉडी से बाहर निकल चुकी थी। हालांकि क्रिस को अभी इस बात का रियलाइज नहीं होता इसीलिए वो अपनी वाइफ के पास चला जाता है, लेकिन जब उसे समझ में आने लगा कि कोई भी दूसरा आदमी उसे देख नहीं सकता तब क्रिस को एहसास होता है कि वो मर गया है और अब आत्मा बन चुका है। क्रिस के साथ हमेशा एक अजीब सा साया रहता था जिसके बारे में उसे बिल्कुल नहीं पता। दरअसल क्रिस चाहता ही नहीं था कि वो अपनी वाइफ से दूर जाए, इसीलिए आत्मा बनने के बावजूद भी वो अपनी वाइफ के पास रहता और उससे सपोर्ट करता। हालांकि एनी क्रिस की आत्मा को देख नहीं सकती थी लेकिन जब भी वो पास आता तो वो महसूस कर पाती और ऐसा होने पर वो पहले से भी ज्यादा उदास हो जाती। जब ये बात क्रिस समझता है कि उसके रहने पर एनी और भी ज्यादा दुखी हो रही है तो उसने वहाँ से जाने का डिसाइड किया। अब क्रिस की आत्मा एक अलग ही दुनिया में चली जाती है जो और कुछ नहीं बल्कि एक पेंटिंग की दुनिया थी। ये वो जगह होती है जिसे कि एनी ने अपनी ड्राइंग के अंदर बनाया था। क्रिस थोड़ा सा खुश हो जाता है क्योंकि ये वही जगह थी जहाँ पर एनी और उसने अपनी आगे की जिंदगी बिताने का डिसीजन लिया था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। एनी जो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी थी वो अपने घर पर इन्हीं सारी ड्राइंग्स को बनाते रहती है। क्रिस तो अपनी वाइफ द्वारा बनाई गई ड्राइंग्स के अंदर ही मौजूद था जो उसके लिए एक अलग ही दुनिया होती है। क्रिस के साथ जो एक अनजान आत्मा थी वो भी अब उसे दिखाई देने लग जाती है। उस दूसरी आत्मा ने भी क्रिस की वाइफ एनी के पेंटिंग की तारीफ की क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छी थी, बट अब एनी ने गुस्से में आकर उसने जो पेंटिंग में पेड़ बनाया था उसकी सारी पत्तियों को हटाने लगी। इसका सेम असर क्रिस की उस काल्पनिक दुनिया पर भी होता है और पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते हैं। क्रिस तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था। तभी वो दूसरा साया जिसका नाम एल्बर्ट था वो क्रिस को आकर सब कुछ बताता है कि ये एक काल्पनिक दुनिया है जिसके अंदर तुम जैसा भी सोचोगे वो रियल हो जाएगा, यानी कि इस दुनिया में जो भी आता वो अपने दिमाग की सोच और पावर्स की मदद से उन्हें किसी न किसी तरीके से रियल बना लेता। इसीलिए अब क्रिस सोचता है कि वो अपने मरे हुए बेटे और बेटियों से मिले। एल्बर्ट तो क्रिस को लेकर एक दूसरी जगह पर आ गया था जो एक अलग ही दुनिया होती है। ये पूरी दुनिया तो हेवन जैसी लग रही थी जहाँ पर वो सारी चीजें पॉसिबल होती हैं जो असली दुनिया में नहीं। अब यहाँ
एल्बर्ट के जाने के बाद उस जगह पर लियोना नाम की दूसरी लेडी आ जाती है जो क्रिस को गाइड करने लगी थी। क्रिस कह रहा था कि मुझे बेटियों से मिलना है क्योंकि मुझे उनकी काफी ज्यादा याद आ रही है। तभी लियोना उसे समझाती है कि तुम्हें उस मोमेंट को याद करना होगा जब तुम अपने बेटे बेटियों के साथ काफी अच्छा समय बिता रहे थे। क्रिस कहता है कि मैं अपनी बेटी के साथ हमेशा चेस खेला करता पर उसमें वो कभी जीत नहीं पाती, और उसके पास तो एक खिलौने वाला हेवन का हाउस भी था जिससे वो हमेशा खेलती। लियोना कहती है कि भले ही आपकी सोच कुछ भी हो, वो चीजें आपको मिल भी जाएंगी लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा कि आप चाहते हो। अब तो क्रिस को लियोना के अंदर अपनी बेटी दिखाई देने लगी थी जिसे कि वो बड़े प्यार से गले लगा लेता है, और ये सारी दुनिया उसी तरीके से बनाई गई होती है जिस तरीके से क्रिस ने सोचा था। क्रिस तो अपना सारा समय बेटियों के साथ गुजारने के बाद एल्बर्ट के पास वापस आ जाता है, लेकिन यहाँ एल्बर्ट क्रिस को एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज प्रोवाइड करता है जिसमें कि उसने बताया कि तुम्हारी वाइफ एनी ने आत्महत्या कर ली है। क्रिस इस बात से पूरी तरीके से शॉक हो गया था, लेकिन वो कहीं न कहीं अपनी वाइफ के लिए अच्छा फील कर रहा होता है क्योंकि एनी को इतनी सारी चीजों से जूझना पड़ रहा था कि वो सहन नहीं कर पाती, और उसके लिए यही अच्छा होगा कि वो अपनी जान दे दे। लेकिन एल्बर्ट बताता है कि तुम जिस तरह सोच रहे हो उस तरीके से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारी वाइफ हेवन में नहीं बल्कि नर्क में चली गई है, क्योंकि जो भी आदमी सुसाइड करता था उसे एक क्राइम माना जाता है और वो डायरेक्टली सजा का पात्र बन के नर्क में चला जाता। ये एक ऐसा चक्र व्यू होता है जिसमें से कोई बाहर ही नहीं निकल सकता है। लेकिन क्रिस बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुका था क्योंकि उसकी वाइफ ने पहले से ही इतने बुरे दिन देखे थे और अब वो नर्क की दुनिया में फंसी रह गई है। इसीलिए क्रिस ने डिसाइड किया कि वो किसी भी तरीके से नर्क की दुनिया में जाकर अपनी वाइफ को छुड़ा कर लाएगा। हालांकि एल्बर्ट ने कहा कि इस दुनिया में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, इसीलिए तुम्हारी वाइफ को एक बार चांस मिलना तो चाहिए। एल्बर्ट तो क्रिस को लेकर एक दूसरे आदमी के पास आ गया था जो उन्हें हेल के दरवाजे तक पहुंचने में मदद कर सकता है। वो तो एक लाइब्रेरियन था जो सभी को रास्ता दिखाता है, और अब वो तीनों नदी के रास्ते से हेल के दरवाजे की तरफ जाने लगे, लेकिन बीच में ही उनके ऊपर पानी के अंदर से कई सारी बुरी आत्माएं बाहर निकलकर हमला करने लग जाती हैं। उन्होंने तो नाव को पूरी तरीके से डुबा दिया था। क्रिस, लाइब्रेरियन और एल्बर्ट किसी भी तरीके से किनारे पर आकर खुद की जान बचाते हैं। वो तीनों तो हेल के दरवाजे के काफी पास पहुंच चुके थे, बट अब अचानक क्रिस को अपनी वाइफ की सिग्नल्स मिलना बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी वाइफ के बारे में नहीं बल्कि अपनी बेटी इयान के बारे में सोच रहा था। दरअसल बचपन में क्रिस अपने बेटे इयान को काफी ज्यादा मोटिवेट करता कि वो एक अच्छा इंसान बने। इयान तो अपने फादर की बड़ी अच्छी तरीके से बात भी मानता था। तब जाकर थोड़ी देर बाद क्रिस को रियलाइज हुआ कि एल्बर्ट और कोई नहीं बल्कि उसका बेटा है किसी और रूप में। एल्बर्ट भी अपनी रियलिटी बता देता है जिससे कि वो दोनों एक दूसरे से मिल चुके थे। लेकिन अब लाइब्रेरियन ने कहा कि अब तुम अपने बेटे से मिल चुके हो, इसीलिए हम एल्बर्ट को आगे नहीं लेके जा सकते क्योंकि तुम अपने दिमाग में उसी के बारे में सोचते रहोगे और फिर हमें तुम्हारी वाइफ एनी के सिग्नल्स नहीं मिल सकते थे। इसीलिए अब क्रिस और वो लाइब्रेरियन एक साथ हेल के दरवाजे के अंदर जाने लगते हैं। अब वो लाइब्रेरियन डायरेक्टली क्रिस के साथ हेल के दरवाजे के अंदर घुसता है जहाँ पर एक बहुत ही फ्लैट सरफेस था। उस जगह पर तो गलत काम किए गए बहुत सारी आत्माएं मौजूद होती हैं जिनका सर बाहर निकला हुआ था। क्रिस किसी भी तरीके से चारों तरफ ढूंढता है और आखिरकार उसे अपने वाइफ का सर दिख ही गया था। वो जैसे ही उसे बचाने गया तभी क्रिस ऊंचाई से नीचे गिरने लगा। अब तो वो और लाइब्रेरियन एक बहुत ही बड़ी खंडहर में आ जाते हैं जो काफी डरावना लग रहा था। क्रिस को यहाँ से अपनी वाइफ से मिलने के लिए अकेले ही जाना पड़ेगा, इसीलिए लाइब्रेरियन बता रहे होते हैं कि शायद तुम्हें कुछ इसका रिजल्ट मिले ना, क्योंकि तुम्हारी वाइफ एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुकी है कि वो कुछ भी याद नहीं रख पाएगी। लेकिन ये बात भूलना मत कि जब भी तुम अपनी वाइफ की आत्मा से मिलोगे तो 3 मिनट से ज्यादा वहाँ पर वेट मत करना, क्योंकि इससे ये दुनिया तुम पर भी हावी होने लगेगी और तुम भी सारी चीजें भूलकर यहीं फंस जाओगे। क्रिस ये सारी बातें दिमाग में रखकर चला जाता है अपनी वाइफ एनी को बचाने के लिए। एनी की आत्मा एकदम साइड में बैठकर बहुत ही ज्यादा रो रही थी। क्रिस तो जैसे ही उसके पास जाकर बुलाता है तो पता चला कि एनी उसे जानती ही नहीं। वो तो क्रिस को दूर जाने के लिए कह रही थी क्योंकि उसे कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। बहुत बार समझाने पर भी एनी को कुछ याद ही नहीं आता, और अब क्रिस बहुत ही ज्यादा निराश होकर लाइब्रेरियन के पास आ जाता है। लाइब्रेरियन ने तो पहले ही कहा था कि इसका कुछ फायदा नहीं होने वाला, एनी तो पूरी तरीके से यहाँ पर फंस चुकी है जिसे कि कोई बाहर निकाल नहीं सकता। बट क्रिस ने एक लास्ट बार ट्राई करने की कोशिश की और अपनी वाइफ के पास जाकर वो सारी चीजें कन्फेस करने लगा कि किसकी गलती है और किसकी नहीं। क्रिस तो एनी को याद दिलाता है कि भले ही उन दोनों के बच्चे मर चुके होते हैं, लेकिन उसके बाद कैसे वो दोनों एक दूसरे के सहारा बने थे और उसके बाद भी वो दोनों साथ में रहे। एनी को इससे थोड़ी थोड़ी बातें याद आने लग जाती हैं।
क्योंकि एनी और क्रिस का प्यार बहुत ही ज्यादा सच्चा था। हालांकि एनी अभी भी अपने बच्चों और हस्बैंड की मौत का जिम्मेदार खुद को ही मानती थी, लेकिन क्रिस एनी को रियलाइज कराता है कि इसमें किसी की गलती नहीं है। जिसका भी अगर टाइम आ चुका है वो तो एक दिन जाएगा ही। ये सारी चीजें समझाने के बाद एनी खुद के ऊपर ब्लेम करना बंद कर देती है और उसे सारी बातें भी याद आ चुकी थी। दोनों की आत्माएं एक दूसरे से गले लगती हैं और फिर एक चमकदार रोशनी आ चुकी थी। क्रिस ने जब अपनी आंखें खोली तब वो हेवन में पहुंच चुका था, जो उसकी बहुत ही सुंदर काल्पनिक दुनिया होती है। चौंकाने वाली बात ये थी कि उस जगह पर अब एनी भी आ चुकी होती है अपने दोनों बच्चों के साथ। यानी कि क्रिस ने कैसे भी करके अपनी वाइफ और बच्चों को बचा लिया, जो कि अब हेवन में अपनी आगे की जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। और इसी के साथ हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।